हमारे हैदराबाद के सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे मैं एक महीने से जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको टाइम की पाबंदी के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, इत्तेजा कर रहा हूँ ऐसे, और कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूँ कि केसेस लगा रहे हैं और बैंडओवर कर रहे हैं। और एक महीने से मैं इस काम पे तवज्जो दे रहा हूँ और वक्फन वक्फन मैं अपने एरिए में सरप्राइज विजिट भी कर रहा हूँ। मुझे एक देखने में आया है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट्स और होटल ओनर्स हैं उन पर वो क्या बोलते जो भी नहीं चल रही, वो के जो कुछ मुहावरा है वैसा हाल है। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का भी अफसोस है कि हमारे जो एरिया में है ज़्यादातर तबका मुसलमान लोग बिजनेस कर रहे हैं, और मुसलमान और जो बच्चे हैं उस बिजनेस में आके डेली नाइट्स में बैठ के वो उनका भी जो है वो भी उनका भी कैरेक्टर ख़राब हो जा रहा, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही, तो बोल के एक अफसोस भी मुझे है। बहरहाल हम इनको चेंज करने की ठान लिया है, इंशाल्लाह हम करेंगे। इत्तेफाकन मेरे ऑफिस में एक हमारे करीबी मुफ्ती साहब का आना हुआ था, तो ऐसे ही मुआशरे पर डिस्कशन हुआ अपने मुस्लिम मुआशरे पर, तो मैं उनसे भी मैं जिक्र करा तो बोले ऐसा कानून की अमलवारी करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम बोले तो खाली नमाज पढ़ना, रोज़ा रहना, हज उमरा नहीं, दुनियावी मामलात में मुआशरात में भी हम उसकी अमलवारी करना ज़रूरी है। कब जब भी ईमान मुकम्मल है बता रहे थे, और कानून की अमलवारी में अगर हम जैसे कि टाइम लिमिट 12 बजे है तो 12 बजे बंद कर लेना वो शरीयत और इस्लाम के नुक्ते नज़र से सही है, और 12 बजे के बाद जो कारोबार किया जा रहा है नाजायज़ है बल्कि बता रहे थे, तो एक अपने कानून के लिहाज से भी गलत है और अपने इस्लाम और दीन के लिहाज से भी वो एक गलत काम हो रहा है, तो मुझे इसका बहुत अफसोस है। तो मैं हमारे मुफ्ती साहब से एक गुजारिश एक रिक्वेस्ट किया कि खैर अगर मैं ये सब इस्लामी और शरीयत के बात ना करा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती, तो मुफ्ती साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करा कि एक हमारे जो मुस्लिम एरिया है अपना उसमें जो रात देर का जो नाजायज़ जो काम चल रहे हैं उस लिहाज से एक प्याम देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करा, तो हमारे मुफ्ती साहब भी इसके लिए राज़ी हो गए। तो मेहरबानी करके मैं अभी भी अपने मुस्लिम भाइयों से जो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो गलत नाजायज़ तरीके से कारोबार ना करने की गुजारिश कर रहा हूँ, और इस मौके पर मैं मुफ्ती साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि ये इसमें शरीयत और इस्लाम के नुक्ते नज़र से ये कैसा है, ये जो हमने जो ये काम किया है किसी की इसमें बेइज्जती करना बल्कि अपना मतलब नहीं है, ये अपनी कौम के दर्द से एक अफसोस करते हुए नादिम होते हुए हम ये मैसेज दे रहे हैं। मेहरबानी करके इसमें कोई गलतफहमी से ना लिया जाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लिया जाए, और जैसा क्या बोलते हैं वो कानूनी तौर से भी गलत है और इस्लामी नुक्ते नज़र से भी गलत है, तो हमको इस्लाम दुनिया मस्जिद में और नमाज़ों में नहीं बल्कि दुनियावी मामलों में भी हम इस्लाम को ज़ाहिर करके इस्लाम की सही नुमाइंदगी करने वाले बने और इस्लाम को बदनाम करने वाला बने, और इसमें हम भी इसमें मैं भी इसमें गुनहगार हूँ, मैं कोई दूध का धुलावा बोल के नहीं बोल रहा, तो अल्लाह आप लोगों को और हम सबको तौफीक दे के हम इस्लाम पे चलने वाले बने और ईमान पे चलने वाले बने। एक एक कौम की
दर्द और उस मुआशरे की इसलाह के लिए ये बयान दिया गया है, इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लिया आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमदुल्ला निसार कासमी, दारुल उलूम देवबंद से मेरी फरागत है और यहाँ मेहदीपट्टनम कुतुबशाही मस्जिद में एक मदरसे में मेरी खिदमत है। गंज शहीदा आसिफ नगर जिर्रा की मस्जिद में जुमा की जिम्मेदारी है। मुझे जनाब एडिशनल DCP साहब अशफाक साहब की दावत आई आपकी तरफ से और हुक्म हुआ कि कुछ बातें आप हजरात के सामने, हमारे दोस्त अहबाब और भाइयों के सामने, कुछ इस्लामी बातें और हमारी खैरख्वाही, हमदर्दी और बहुत ही प्यार मोहब्बत से आप हजरात के सामने कुछ ऐसी बातें अर्ज़ करनी है जिसकी वजह से हम और हमारा इस्लाम पूरी दुनिया में, हमारे इस मुल्क और शहर में बदनाम होते जा रहा है। हमारी वो बातें जिसे हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। एक सच्ची बात यह है कि आज मुसलमान हो या इस्लाम हो, मस्जिदों और मदरसों की वजह से बदनाम नहीं है, मार्केट और होटलों की वजह से बदनाम है। वहाँ आदमी अल्लाह के सामने रोता धोता भी है, सजदे भी करता है और आखिरत और जहन्नम की फ़िक्र से आदमी तौबा भी करता है, लेकिन होटल और दुकान पर आने के बाद वो एक सच्चा मुसलमान नहीं बन पाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हिदायत यह है कि मुसलमान देर रात तक बिला ज़रूरत के ना जागे। अगर वाकईतन ज़रूरत है, मसलन कोई इबादत करना चाह रहा है या कुछ पढ़ना लिखना चाह रहा है या कोई ज़रूरी मीटिंग और मशवरा है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, बिला ज़रूरत देर रात तक जागना शरीयत की तालीमात के ख़िलाफ़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नतों के ख़िलाफ़ चलने वाली ज़िंदगी में अल्लाह कोई बरकत नहीं रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 40-50 साल के दरमियान में इंसान बूढ़ा हो रहा है, बल्कि मरने के करीब हो रहा है। मौत को दावत दिया जा रहा है सुन्नतों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने की वजह से। और साइंस ये कहती है कि जो लोग रात देर तक जागते हैं उनमें 23 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें से दो बीमारियां मशहूर हैं, एक दिमाग का कैंसर, दूसरा हार्ट अटैक। ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो लोग रात देर तक जागने के आदी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि रात का खाना जल्दी खाया जाए। मगरिब से ईशा के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रात का खाना खाने का, और हुकमा ने भी लिखा है कि रात का खाना इतनी पहले खा लो कि खाने के बाद 3-4 घंटे का फासला रहे कि तुम जब बिस्तर पर पहुंचो, इतना पहले खाने का हुक्म फरमाया। और बास किताबों में लिखा है कि शाम का सूरज गुरूब होने से पहले खाने से फारिग हो जाओ। और चुनांचे हम देखते भी हैं कि रमज़ान के मौके पर आदमी दिन भर का भूखा रहने के बाद मगरिब के टाइम पर ही इफ्तार कराया जाता है, ताकि वो रमज़ान की मेहनत और मशक्क़त मुसलमान को 11 महीने मुसलमान बन के रहने की ट्रेनिंग है। यहाँ रात देर तक होटलें खुली रहने और रात देर तक खाते खिलाते रहने में, आदमी जब रात देर गुजरने के बाद खाता है तो उसमें शुगर और डायलिसिस की बीमारी आम तौर से पैदा हो जाती है। आप हजरात डॉक्टरों से मालूम कर सकते हैं, हमने भी मालूम किया, डायलिसिस का और शुगर का मर्ज़ पूरी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा है, इंडिया टॉप लेवल पर है। और इंडिया में हमने किसी रिसर्च करने वाले से मालूम किया तो बताया गया कि इंडिया में हमारा ये तेलंगाना और आंध्रा का एरिया, बिलखसूस उसमें हैदराबाद का एरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा डायलिसिस सेंटर पाए जाते हैं। उन डायलिसिस सेंटरों में 300 से ज़ायद डायलिसिस सेंटर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 80-90% मुसलमान पेशेंट हैं। रात देर तक खाने की बीमारियों की वजह से शुगर का मर्ज़ पैदा हो जाता है, डायलिसिस का मर्ज़ पैदा हो जाता है। आज सेहतमंद मुसलमान मिलना मुश्किल है, बीमार मुसलमान हर जगह पाए जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे रात देर तक जागने की वजह से, शोर शराबे की वजह से, चबूतरों और कट्टों पर बैठे रहने की वजह से, होटलें आबाद करने की वजह से, कितने ऐसे गैर मुस्लिम महल्ले हैं जो अपने महलों में मुसलमान को मलगी और मकान किराए पर देने तैयार नहीं है। वो अपने महलों में मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते, इस वास्ते कि इनकी शादियां रात देर तक होती हैं, इनके खाने रात देर तक होते हैं, इनका जागना और आवारगी रात देर तक होती है, होटलबाजी रात देर तक होती है। जिस जमाने में होटलों के खाने को ऐब समझा जाता था, आज होटल के खाने ही शान और फैशन समझे जाने लगे। इस वास्ते कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को अपने महल्ले में
किराए पर मकान देने तैयार नहीं है। अब इससे खुद समझे हम, जहां भाईचारगी हम पैदा करना चाहते हैं मुसलमान और गैर मुस्लिम में, हमारी बदअमली और बदअखलाकी की वजह से वो नफरत पर उतर आए हैं कि इससे हम मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। अब इसमें हम अपने किरदार से गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के आदी बन जाते हैं, इससे इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान की छवि भी बदनाम होती है। हम तो दुनिया में आए थे पूरी दुनिया को इस्लाम का पैगाम देने के लिए, अमन और शांति का पैगाम देने के लिए, लेकिन अपनी बदअखलाकी और बदकिरदारी की वजह से इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बन गए। और तीसरी चौथी बात यह है, हुकूमती कवानीन जिसमें मुसलमानों के लिए हुकूमत और सरकार की तरफ से कोई रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक और गाड़ी चलाने के रूल्स हैं कि यहाँ पार्किंग करे यहाँ पार्क ना करे, इस रूट से जाए इस रूट से ना जाए, सिग्नल पड़ने पर रुक जाए और सिग्नल पड़ने पर चला जाए, तो वो कवानीन को फॉलो करना मुसलमान पर वाजिब है, ज़रूरी है। इससे मुल्क के अंदर झगड़ा, एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाना, एक्सीडेंट होना, इन सब चीज़ों से बचा जाता है। इसी वास्ते उलमा ने लिखा है, अगर हुकूमत का कानून है कि वो हेलमेट पहन कर जाए तो पहन कर जाना वाजिब है, ना पहन कर जाना गुना होगा, क्योंकि इंसान अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। इससे मालूम हुआ हुकूमती कवानीन को जब फॉलो करना ज़रूरी है, उसी कानून उन्हीं कवानीन में से कानून ये है कि होटलें 11 से 12 के अंदर बंद हो जाएं। जब सरकार हमें, आप समझें कि हुकूमत 12 बजे रात तक होटल चलाने की इजाज़त दे रही है, 12 बजे के बाद भी कौन सी जिन्नाती कौम है जो खाने के लिए आ रही है? हमारे बाप दादाओं ने भी खाया है, बादशाहों ने भी खाया है, लेकिन क्या हम उनसे भी ज्यादा खाने वाले बन जाएंगे कि रात के 12 बजे भी होटलें खुल रही हैं? बाज़ होटलें तो वो हैं जो दिन में बंद रहती हैं और 12 के बाद ही खुलती हैं। तो आप बताइए कितना ज्यादा नुकसानदेह होगा। हुकूमत के कानून को फॉलो करना मुसलमान पर वाजिब है। जो कानून जायज रहता है और जिसमें शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती है, उस कानून पर अमल करना मुसलमानों के लिए वाजिब है। और यह हुक्म सिर्फ किसी एक मसलक के लिए नहीं है, हर मसलक में यही हुक्म है कि जायज कवानीन की इत्तबा करना मुसलमानों पर वाजिब है, और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाला गुनहगार होगा, और नाजायज तरीके से इस तरह की कमाई करने वाला भी गुनहगार होता है। और ये भी देखें, पांचवी बात यह है कि रात देर तक होटलों में जागने से अपनी बीवियों को वक्त नहीं दिया जा सकता, वक्त पर घर नहीं पहुंचते, अपने बेटे और बेटियों को वक्त पर, उन्हें वक्त नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से बच्चों में जो आवारगी आ रही है, जो बर्बादी आ रही है, वो हम अंदाजा नहीं कर सकते कि जैसे बाप होटलबाजी का आदि बन गया, औलाद भी वैसे आवारगी के शिकार होती जा रही है। पहले घरों, पहले जमाने में रात के 8 बजे 9 बजे सारे बाप बेटे बड़े छोटे सब घर पर आ जाया करते थे, एक वक्त में बैठ कर टेबल पर खाना खाया जाता था। आज घरों में खाने का सिस्टम बर्बाद हो गया, घरों को टाइम पर आने का सिस्टम बर्बाद हो गया, अपनी औलाद को वक्त देकर उनकी तरबियत करने का सिस्टम बर्बाद हो गया। बच्चे बिगाड़ने में हुकूमत का दखल नहीं है। कोई सरकार, कोई पुलिस और कोई सरकारी नुमाइंदा हमारी मुसलमान नौजवान लड़कों लड़कियों के हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहा है। माँ बाप के बारे में ये बात कही गई थी कि अपने बच्चों को निवाला खिलाओ सोने का, लेकिन निगाह रखो शेर की कि वो कल किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है। अब हमारे नौजवान बच्चे होटलों पे हैं, अब ये होटलों पे आ रहे हैं क्यों? होटल खुले हैं तभी तो आ रहे हैं। अगर होटल बंद हो जाते, वक्त पर अपनी कमाई से फारिग होकर अपने घर चले जाते, जैसे लॉकडाउन के जमाने में हमने देखा कि कौन आदमी हिम्मत कर रहा था बाहर निकलने की, जब दुकान खुलता है तो ही ग्राहक आता है, अगर दुकान बंद रहती है तो कोई ग्राहक आने तैयार नहीं होता है। तो इसमें हम दूसरे घरों के बच्चों को भी घरों से बाहर लाने का और उन्हें घरों के बाहर रखने का नुकसान और गुना अपने सर पे ले रहे हैं। और एक बात, छठी बात यह भी है कि मुसलमान महलों में, मुसलमान एरियों में यह बात ज्यादातर पाई जाती है कि इस एरिया में होटलें आबाद रहती हैं, इस एरिया में होटलें खुली रहती हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि जिस मुल्क में हम सब रहते हैं, दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भाइयों के और दूसरे मजहब के लोगों के महलों और उनकी होटलों में वक्त पर बंद कर देना, वक्त पर सो जाने का अहतमाम होता है, और मुसलमानों के एरियों में खास तौर से पुलिस वालों को आना पड़ता है, उन्हें लाठी लेकर
उन्हें तंबीह करना पड़ता है कि बंद करो बंद करो। दूसरे भाइयों के महलों में जाकर इस तरह तंबीह करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। क्या वजह है कि एक दूसरी कौम कानून को फॉलो कर रही है और मुसलमान कानून को फॉलो करने तैयार नहीं है। आधा सेटर बंद रखकर चलाते रहेगा, जैसे ही गाड़ी की आवाज आएगी फौरन बंद कर देगा, रोड पर किसी को खड़ा करेगा, आ रहे हैं क्या देखो, जैसे ही इत्तला मिलेगी फौरन सिग्नल देगा बंद कर देंगे, बाहर का सेटर बंद करके पीछे का सेटर खोल के चलाते रहेंगे, लेकिन कानून को फॉलो करते हुए कानून की इत्तबा करना नहीं चाहेंगे, अमन और शांति के साथ जायज तरीके से कमाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और एक बात ये भी देखें, जो लोग रात देर तक होटल चलाते हैं वो सुबह कभी वक्त पर नहीं उठ सकते। सुबह जल्दी उठना मुसलमान की शान है। क्या शर्म की बात नहीं होगी कि गैर मुस्लिम भाई तो वक्त पर उठ रहे हैं, सुबह जल्दी जल्दी वो गुसल करके तैयारी करके अपने पार्क में जाके वो वॉकिंग कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, और मुसलमान रात देर तक जाग रहा है और सुबह देर तक सो रहा है। उलमा ने एक मिसाल दी है, बकरियां जो हलाल जानवर हैं वो रात होते ही सो जाती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं, कुत्ते रात देर तक जागते रहते हैं और सुबह की जब अज़ान होती है भौंकते हुए फिर सो जाते हैं। हमें अल्लाह ने हलाल जानवरों के जरिए से सबक दिया है कि जो हलाल जानवर होते हैं वो वक्त की इत्तबा करते हैं और फॉलो करते हैं, और जो हलाल नहीं होते हैं वो वक्त की इत्तबा और उसे फॉलो नहीं करते हैं। इसके नुकसान क्या क्या होते हैं अंदाजा कर लीजिए। जो लोग रात देर तक होटलें चलाते हैं, रात देर तक होटलबाजी करते हैं, रात देर तक चबूतरों पर आबाद रहते हैं, रात देर तक कट्टों पर आबाद रहते हैं, रात देर तक होटलों के खाने खाने में मसरूफ रहते हैं, ये लोग इल्ला माशाल्लाह सालों और महीनों गुजर जाते हैं, फजर की नमाज की तौफीक नहीं होती है। जो कौम सुबह उठकर अल्लाह की इबादत किए बगैर, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर फिर कारोबार के लिए निकलता है अल्लाह उसके हाथ में ईमान का और कामयाबी का झंडा देते हैं। जब वो जाता है तो अल्लाह उसे रोजी में बरकत और कामयाबी के साथ लौटता है, और जो फजर की नमाज पढ़े बगैर कारोबार पे निकलता है तो अल्लाह उसके हाथ में शैतान का झंडा देते हैं कि वो कभी कामयाबी और बरकत के साथ वापस नहीं लौटता। दूसरा नुकसान ये होता है, रात देर तक होटल चलाने और होटलबाजी की वजह से महीनों और सालों गुजर जाते हैं कि ऐसे लोगों को सुबह का सूरज देखने की तौफीक नसीब नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी बुकूरी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत अता फरमा। एक सहाबी गरीब थे, चंद महीनों में मालदार हो गए। जब उनसे पूछा गया आपकी मालदारी का राज क्या है, तो उन सहाबी ने फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, सुबह सुबह काम पर लग जाओ अल्लाह बरकत देगा। तो मैं सुबह सुबह काम पर लग जाता हूँ और शाम टाइम पे आके अपने घर पे वक्त गुजार लेता हूँ। और आज हम सुबह 11 बजे हमारी सुबह होती है और रात 2-3 बजे तक हम जागते रहते हैं। तीसरा, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत फरमाई, बेटा तुम इतने भी बेशर्म ना बनो कि जानवर तुमसे पहले सुबह में उठ जाए और तुम रात देर तक सोते रहो। मुसलमानों को सुबह पहले उठने की तालीम और तरगीब दी गई है। और तीसरा नुकसान ये होता है, जो लोग रात देर तक होटलों पे जागते रहते हैं, चबूतरों कट्टों पर जागते रहते हैं, सुबह अपनी औलाद को वक्त पर स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी तालीम का जायजा नहीं ले सकते, उनकी तरबियत का जायजा नहीं ले सकते। रात घर पहुंचे बच्चे सो चुके थे, सुबह घर से बच्चे स्कूल के लिए निकले ये सो रहे थे, रात में बच्चे सो रहे थे तब आप घर पे आए, और सुबह आप सो रहे थे तब बच्चे घर से स्कूल चले गए। ना बाप घर में होते हुए बच्चों से मुलाकात सही हो रही है, ना उनकी तरबियत और उनकी तालीम पे सही तवज्जो हो रही है। दसियों बार स्कूल और कॉलेज वाले पेरेंट्स मीटिंग में बुला बुला कर थक जाएं तो भी अपनी औलाद की तालीम के लिए भी कभी पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर भी औलाद के बारे में नवाबों के ख्वाब देखते रहते हैं कि हम अपनी औलाद को ऐसे बनाना है। एक नुकसान ये भी होता है, देर रात तक जागने से पूरे मुल्क और शहर में मुसलमानों की छवि बदनाम होती है। ऐसी आवाज और ऐसा जहन बला बना दिया जाता है या बन जाता है कि मुसलमान ऐसे ही रहते हैं, मुसलमानों के महल्ले ऐसे ही रहते हैं, मुसलमानों के जवान ऐसे ही रहते हैं, रात रात तक जागते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है, जो औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, हमने भी कई बार देखा जब कभी सफर से वापस आते हैं 2 बजे 1.5 बजे एक जगह होटल खुली है वहां हम खाने के लिए गए तो पूरा होटल 90% भरा हुआ था और उसमें से 80% मुसलमान थे। बुर्के वाली औरतें रात 1.5 बजे तक होटल में खाना खा रही है।
आप बताएं कितने अफसोस की बात है, कहां मुसलमान मुआशरा, कहां से इन्हें ऐसी तालीम दी जाती है? क्या इससे इस्लाम बदनाम नहीं होता, मुसलमानों की छवि बदनाम नहीं होती? एक नुकसान यह भी होता है ऐसी हालत में जो कानून की खिलाफ वर्जी के साथ कमाई जाने वाली कमाई में अल्लाह कभी बरकत नहीं रखते हैं, बेबरकती के साथ कमाई जाने वाली रोजी उसमें हमेशा मुसीबतें आती हैं। पहली मुसीबत ऐसी कमाई में ये आती है कि कमा कर भी आदमी कर्जे में डूबा रहता है। दूसरी मुसीबत ये आती है कमा कर भी बीमारियों का शिकार रहता है। जितना कमाएगा उसमें से आधा या पूरा का पूरा डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के हवाले करना पड़ेगा। तीसरा नुकसान ये होता है ऐसी कमाई में ना रुकने वाले टेंशनों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अपनी औलाद को हत्ता के अच्छे रिश्ते और अच्छे दोस्त भी नहीं मिलते। शरई लिहाज से देखें कि इसके नुकसान क्या होते हैं। पहला नुकसान, कानून की खिलाफ वर्जी के साथ होटल चलाने, होटलबाजी करने और कारोबार करने में गुनाह कबीरा है, नाजायज और हराम है। नाजायज और हराम तरीके से आने वाली कमाई में अल्लाह कभी बरकत नहीं रखते हैं, मुसीबतें और परेशानियां रखते हैं। दूसरा नुकसान यह होता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को हुक्म दिया कि अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करो, और जो अपनी इज्जत की हिफाजत खुद नहीं करता है तो समाज पर किसी ने यह जिम्मेदारी नहीं रखी है कि उसकी दूसरे इज्जत की उसकी इज्जत दूसरे करें। मुसलमान को चाहिए कि अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अब यहां रात देर तक होटल चलाएंगे, पुलिस आएगी, डंडे बरसाएगी, चालान लगाएगी, तंबी करेगी, दुकान होटल बंद कराएगी, खुद जलील होना गवारा है लेकिन इस्लाम और कानून को फॉलो करना गवारा नहीं है। तो हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया और यह पैगाम दिया मुसलमान की इज्जत काबतुल्लाह के बराबर है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को देखकर फरमाया, ऐ काबा तू कितना मुकद्दस है, तेरा तवाफ नबियों ने किया है, लोग तेरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, हर नबी ने हर वली ने तेरा तवाफ किया है, लेकिन एक मुसलमान की शान और उसकी इज्जत से बढ़कर तेरी इज्जत नहीं है। इतनी बड़ी इज्जत जिस मुसलमान को बख्शी गई है आज वो मुसलमान जलील होते जा रहा है अपनी बदामाली और बदअखलाकी की वजह से। तीसरा नुकसान यह होता है, देखें वक्त पर होटल बंद करने का, जब हम कोई परमिट लेते हैं, इजाजतनामा लेते हैं सरकार और गवर्नमेंट से कि हम होटल चलाएंगे और फला फला टाइम दिया जाता है, तो गोया कि हमारा और हुकूमत के दरमियान में एक मुआहदा हो गया, अग्रीमेंट हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक है वो शख्स जो वादे की खिलाफ वर्जी करता है। और जब हमारा ये मुआहदा हो गया कि हम होटल 11 बजे तक चलाएंगे, 12 बजे तक चलाएंगे, उसके बाद भी चलाया जाता है, तो ऐसा शख्स वादे की खिलाफ वर्जी करता है। वादे की खिलाफ वर्जी करने वाले के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शख्स मुनाफिक है। तो तीसरा गुना ये हो रहा है कि हमें देर रात तक होटलें चलाने से निफाक का गुना लाजिम आता है, और निफाक का गुना इतना बड़ा है कुरान मजीद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों से भी बड़ा सख्त अजाब मुनाफिकीन का जिक्र किया। और निफाक की वजह से एक नुकसान यह होता है कि कलीमे की मौत मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है निफाक की वजह से। चौथा बड़ा नुकसान यह होता है दुकान खुली रखे वक्त से भी जायद टाइम होने के बाद भी, 12 बजे के बाद भी, या होटल खुली रखे, तो इसमें हमारी होटल हमारी दुकान खुली रहने की वजह से ही दूसरे नौजवान आते हैं। अगर वो वक्त पर बंद हो जाती है तो दूसरों को भी आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि होटलें बंद हैं, जाके भी क्या करेंगे। जब हम खुले रखते हैं तब दूसरों को गोया के आने की हम दावत दे रहे हैं, तो गोया के समाज के दूसरे नौजवानों को भी रात देर तक जगाने का, आवारगी का, होटलबाजी का, कट्टों और चबूतरों का हम दावत देने और जरिया बनने वाले होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह का जरिया बनने वाला भी गुनहगार है, गुनाह की तरफ दावत देने वाला भी गुनहगार है। हम समाज को रात देर तक जगाने का जरिया बन रहे हैं 12 बजे के बाद भी होटलें चलाकर। पांचवा गुना यह होता है रात देर तक चलाने में, होटल चलाने के लिए कभी कभार हमें रिश्वत देनी पड़ती है। अपनी होटल चलाने के लिए दो दो तीन तीन बजे तक रिश्वत देनी पड़ती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत देने वाले पर भी, रिश्वत लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। और एक हदीस में फरमाया रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। कितनी सख्त वईद है। अपना कारोबार चलाने के लिए 24 घंटे अल्लाह ने हमें दिए थे,
उसमें से कानून ये कह रहा है कि 12 बजे बंद कर दिया जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखो, औलाद का ख्याल रखो, बी बच्चों का ख्याल रखो, मुआशरे का ख्याल रखो, कानून का ख्याल रखो, इन सब को तोड़कर हमें रिश्वत देकर चलाने की मजबूरी क्या आ गई है। तो ये पांचवा गुना ये हो जा रहा है, रिश्वत देकर चलाने की वजह से अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं। और एक गुना ये भी होता है कि आदमी चलती हुई दुकानें बंद करने के लिए बाज मर्तबा नाफरमानी और कानून के खिलाफ वर्जी की वजह से केस बुक हो जाता है, दुकान बंद करा दी जाती है, चालान पड़ता है, पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब जिल्लत बर्दाश्त करने की क्या जरूरत पड़ती है। एक नुकसान ये भी होता है कि ऐसे मौके पर हम दुकानें चलाकर रास्ता और सड़क और कानून के दूसरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है रास्ते पर पड़ी हुई चीज हटा दे। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि रास्ते पर पड़ी हुई चीज हटाना ईमान की अलामत है। तो रास्ता जाम करना, लोगों को तंग करना, ये ईमान के खिलाफ निफाक और कुफ्र की अलामत है। आखिरी बात ये देखें, इस वक्त मुसलमानों के जो हालात बनते जा रहे हैं, इन हालात में मुसलमानों को अपने अखलाक की तरफ तवज्जो देकर, रुजू इल्लाह और शरीयत की पाबंदी करके पूरे मुल्क में मुसलमानों के अमन और सुकून और अखलाक का पैगाम देना जरूरी है। पहले अंदर के फिरौन को हम मारेंगे तो फिर तब जाके बाहर का फिरौन मरेगा। बाहर के फिरौन की शिकायत करते रहेंगे और अंदर का फिरौन हम नहीं मारेंगे, कभी मुसलमानों के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक मैं सच्चा मुसलमान नहीं बनूंगा, शरीयत की और कानून की इत्तेबा और पाबंदी नहीं करूंगा, उस वक्त तक मेरे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, तो अल्लाह ने कहा, बंदे पहले अपने आमाल देख। मेरा हाल देख, मैंने जब अल्लाह से कहा तो अल्लाह ने कहा पहले अपने आमाल देख। तो हमारे आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। तो आप हजरात से बहुत ही अदबन गुजारिश है कि हम रात अपने वक्त पर अपनी होटल और दुकान बंद करने का एहतमाम करें, नाजायज तरीके से कमाई जाने वाली कमाई से तौबा करें और हम एक अच्छे मुसलमान बनकर पूरे देश और पूरे मुल्क और पूरे शहर में एक अच्छा मैसेज बनाने वाले, पैगाम पहुंचाने वाले बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फिक्र की संजीदगी नसीब फरमाए और हमें इस कानून की पाबंदी नसीब फरमाए।